हेलो दोस्तों, द जॉब ड्रिवन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, अम्ल भस्म और लवण में। तो हमने अम्ल पढ़ा था और अम्ल का कौन कौन सा गुण होता है, फिर अम्ल में कौन सा आयन निकलता है, इसके बारे में पढ़े थे। तो अम्ल में कौन सा आयन निकलता है? H+ आयन निकलता है। फिर से किस किस वैज्ञानिकों ने कौन से अम्ल के बारे में क्या क्या बताया था, इसके बारे में पढ़ा था। जैसे बॉन्स्टेंट और लॉरी ने क्या बताया था, फिर लोइस ने क्या बताया था, फिर से आर्गेनियस ने क्या बताया था, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं आखिर भस्म क्या है और भस्म में कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो सबसे इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर अम्ल की पहचान कैसे होती है। तो हम जब नींबू खाते हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, टमाटर खाते हैं ऑक्जेलिक एसिड होता है, फिर से अगर हम चींटी का डंक देखें तो उसमें मेथनोइक एसिड होता है, और अगर लाल चींटी हो तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, फिर से आप अगर खट्टा मक्खन हो तो उसमें ब्यूटारिक एसिड होता है, फिर से आप देखोगे तो और क्या, जो विनेगर होता है, सिरका होता है, उसमें आपका एसिटिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से हम एसिड को कैसे पसंद करते हैं, क्योंकि वो स्वाद में खट्टा होता है। तो आखिर भस्म में फिर क्या है, तो भस्म में कौन कौन से गुण होते हैं, तो आइए चलते हैं कि भस्म में देखें कौन कौन सा गुण होता है। तो भस्म को हम क्या कहते हैं, बेस भी कहते हैं और क्षारक भी कहते हैं। तो क्या क्षारक और क्षार दोनों समान है? तो क्षारक होता है आपका बेस और क्षार हो गया आपका अल्कली। तो यहाँ पे हम बेस की बात कर रहे हैं, यानी क्षारक की बात कर रहे हैं। तो क्षारक किसे कहा जाता है? तो क्षारक वैसे पदार्थ है या यौगिक है जो जल में घोले जाने पर, जब जल में घोला जाता है तो OH- आयन देते हैं। क्या? OH- आयन, जबकि अम्ल क्या दिया था? H+ आयन। ठीक है, तो वो जब OH- आयन दे कोई पदार्थ या यौगिक, तो वो भस्म या क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, अब कहा गया है ऐसे सभी पदार्थ जो भस्म होते हैं या यौगिक, वो क्या होते हैं, स्वाद में कड़वा या तीखा होता है। करेला कितना तीखा होता है? तो वो भी क्या है, एक भस्म है। फिर से साबुन जो कड़वा लगता है टेस्ट में, वो भी क्या है, एक भस्म है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई घर में बीमार हो जाता है, और बीमार कैसे, कि उसकी एसिडिटी बढ़ गई, जो उसमें गैस की अम्लीयता है जो पेट में वो बढ़ गई, तो हम किस चीज से उसको दूर करेंगे? क्या उसके लिए नींबू लेंगे, नहीं लेंगे, या फिर कोई आपका एसिटिक एसिड लेंगे जिसे विनेगर में रहता है, तो वो नहीं लेंगे, तो कौन सा चीज लेंगे? तो वो लेंगे हम बेकिंग सोडा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेट की अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। ठीक है, वो भी ज्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा सा मात्रा में लेकर हम उसे दूर कर सकते हैं पेट की अम्लीयता हमको। और पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो फिर भस्म करता क्या है? तो यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो भाई लिटमस पेपर है, जो लिटमस पत्र है, ये कौन से पौधे से पाया जाता है? तो यह लाइकेन नाम के पौधे से पाया जाता है, जिसमें लिटमस पत्र का जो आपका उदासीन रंग होता है वो क्या होता है, आपका बैंगनी होता है या पर्पल होता है। ठीक है, अब कहा गया है नोट में कि क्षारक यानी जो भस्म है उसको छूने पे वो चिकना होता है, जब हम साबुन छूते हैं तो कैसा होता है, वो चिकना होता है। इस कारण से इसे साबुन की प्रकृति का भी कहा गया है। किसको? भस्म को। ठीक है, अब कहा गया है कि आखिर कौन कौन से इसमें गुण होते होंगे, तो क्षारक जो है मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज क्या है, आपका सूचक है, मिथाइल ऑरेंज सूचक है। ठीक है, और सूचक क्या करता है, अम्ल और भस्म की प्रकृति को दर्शाता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ भस्म है। ठीक है, तो उसकी प्रकृति को दिखाता है, इसलिए इसे सूचक कहा गया है। तो क्षारक मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, पीला कर देता है। ठीक है, उसके बाद प्रबल क्षार, प्रबल क्षार कौन कौन होता है, तो NaOH, KOH, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसे कास्टिक पोटास भी कहते हैं, यानी NaOH को कास्टिक सोडा और KOH को कास्टिक पोटास कहते हैं। तो इस यह जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। तो कैसे होगा, तो जब हम इसे पानी में घोल देंगे तो ये अपने दो आयनों में टूट जाएगा, कौन कौन, एक टूटेगा Na+ और दूसरा OH- आयन में, और तब जाके इससे क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी विद्युत धारा का वो सुचालक हो जाएगा। दूसरा कहा गया है कि भस्म जो होता है, जो क्षारक होता है, वो तेल और गंधक को भी अपने अंदर घुला लेता है। तो गंधक हम क्या जानते हैं, गंधक को हम सल्फर बोलते हैं। ठीक है,
गंधक को सल्फर बोलते हैं, और ये दोनों को अपने अंदर घुला लेता है। तो और क्या क्या कर सकता है? तो भस्म जो है वो कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देता है। तो कार्बन युक्त जितने भी पदार्थ होंगे उनको सब भस्म क्या करेगा? नष्ट कर देगा। ठीक है, अब कहा गया है जो भस्म है, तो फिर यहाँ एक बात होती है इंडिकेटर यानी सूचक की, जो कि फिनाप्तलीन है। तो फिनाप्तलीन क्या होता है? वो आपके अम्ल में कलरलेस यानी कोई भी कलर नहीं होता है, जबकि भस्म में वो क्या होता है? उसका कलर यानी रंग बदल जाता है। तो किसमें बदलता है भाई? तो वो बदलता है फिनाप्तलीन का गुलाबी कलर में बदल जाता है, यानी पिंक में बदल जाता है। ये सबसे ज्यादा पसंदीदा किसका है? लड़कियों का पसंदीदा रंग है गुलाबी, उसमें बदल जाता है आपका फिनाप्तलीन। उसके बाद कहा गया हल्दी। हल्दी को हम देखते हैं कैसा होता है, वो तो पीला होता है, लेकिन जैसे ही वो भस्म में डाला जाता है तो लाल भूरा रंग में बदल जाता है, लेकिन अम्ल में वो कैसा रहेगा? तो वो पीला ही रहेगा। ठीक है, अब भस्म में क्या कहा गया है कि जब हम भस्म को यानी क्षारक को लवण के विलयन में डालते हैं, यानी कोई भी ऐसा विलयन जो सॉल्टी हो लवणीय हो, वो क्या हुआ, जब उसमें डालेंगे तो वो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा अवक्षेप के रूप में, यानी जो प्रेसिपिटेट बनेगा, जो अवक्षेप बनेगा वो कैसा बनेगा? वो धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब धातु का हाइड्रोक्साइड कैसा बनेगा? जैसे यहाँ पे धातु का हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH है, KOH है, MgOH है। तो ये सब क्या है? धातु के साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है। तो ये सब आपका क्षारक में कुछ प्रमुख बातें हैं। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण भस्मों के उपयोग के बारे में, कुछ ऐसे ऐसे भस्म हैं जिसके उपयोग के बारे में आइए हम आगे देखते हैं। तो यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट बेस, तो कौन कौन से ऐसे यूजेज हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका भस्म है यानी क्षारक है वो है NaOH, जिसे बोलते हैं कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो उसका यूज होता है टू मेक क्लॉथ एंड पेपर, यानी कपड़ा और कागज बनाने में इसका यूज होता है। किसका? कास्टिक सोडा या NaOH का। दूसरा क्यों यूज कहा होता है? टू क्लीन इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री को, कारखानों को साफ करने में। फिर कहाँ होता है? तो टू मेक मेडिसिन, यानी दवा बनाने में भी इसका यूज होता है। फिर किस कहाँ यूज होता है? तो टू मेक पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम बनाने में भी यूज होता है। टू मेक सॉप, यानी साबुन बनाने में भी इसका किसका कास्टिक सोडा का यूज होता है। तो इसको और अच्छा से हम लोग कार्बन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे का, इसका कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, तो इतने सारे चीजों में कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अब चलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे बोलते हैं MgOH का O2। और ये OH पे O2 कैसे, OH पे जो 2 आया ये कैसे आया है? तो Mg पे जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो +2 होता है, और OH पे 1- होता है। तो वही चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ, यानी ट्रांसफर होके OH पे चला आया। इस कारण से MgOH 2 लिखते हैं। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहाँ यूज किया जाता है? तो उसको रिलीफ देने के लिए, जो स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाती है उसमें रिलीफ देने के लिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। और कौन से चीजों का उपयोग करते हैं? तो बेकिंग सोडा का भी यूज करते हैं पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। ठीक है, तीसरा फिर कौन सा ऐसा जो है क्षारक है या फिर भस्म है जिसका उपयोग किया जाता है? तो CaOH2 बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CA पे भी कितना होता है, जो चार्ज होता है वो 2+ होता है, और OH पे -1। तो वही चार्ज यहाँ पे क्या हुआ, स्थानांतरित यानी ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे CaOH2 बना, O2 लिख बोलते हैं, या CHOH का 2। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो इसका उपयोग आखिर यूज कहाँ होगा? इसका यूज होगा जल को मृदु बनाने में, यानी जल को क्या करना, वाटर को सॉफ्ट करने में यूज होगा। फिर और कहाँ होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर टू मेक ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है CaOCl2 होता है।
ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को। फिर कहते हैं अम्ल के जल जलन पर जो मरहम पट्टी करने में, यानी जो अम्ल के द्वारा जो जलन हुआ उसमें भी यूज करते हैं। जैसे चींटी हमें डंक काटती है तो हमें डंक के कारण क्या होता है, जलन होता है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इस क्षारक या भस्म का उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाए यानी उदासीन हो जाए। इस कारण से तो क्या कहता है, जो बैंडेज किया जाता है जब एसिड बर्न के लिए, किसका, तो इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बैंडेज किया जाता है, देखते हैं ना, पट्टी किया जाता है। फिर कहा गया इसमें कि चूना पोतने में, जो घरों में चूना लगता था पहले के, अब तो नहीं लगते हैं लेकिन अभी भी क्या, एक पेंट आता है व्हाइट कलर का, उसको पोता जाता है, तो वो चीज आपका कहा गया व्हाइट वॉशिंग होम, यानी जो होम में वॉश, जो आपका पेंट हो रहा है उसका उपयोग किया जाता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है इन सबों में। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब जंक्शन कोर्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।